एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई एम गजराज हैंडी कोचिंग नरुका ब्लॉग्स। तो गाइज पिछले वाले ब्लॉगों में अपन यहीं थे कनक बाग, ठीक है, लेकिन आज वापस मैं कनक बाग आया हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ मूवीज़ थी उनकी जो शूटिंग लोकेशंस थी वो मैंने मिस कर दी है, ठीक है। तो वापस आए इस वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा कौन कौन सी मूवी शूटिंग लोकेशन, लम्हे, तलाश, खिलाड़ी, साजन चले ससुराल और भी कुछ मूवीज़ है जो मुझे धीरे धीरे याद आ रही है जिनकी शूटिंग यहाँ हुई है, तो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी राजा मूवी, बेटा मूवी और खलनायक मूवी और बंजारन मूवी और एक दो मूवी और थी इनकी शूटिंग लोकेशंस मैंने आपको दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके आप एक बार चैनल पर देख लेना, ठीक है। तो गाइज शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग और मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में हमेशा के जैसे, ठीक है। तो भाई चलते हैं, ठीक है। अभी मैं खड़ा हूँ रामबगड़ मोड़ पे। यहाँ से मतलब यहाँ से देख लो आप जलमहल पड़ता है मुश्किल से 200 मीटर मार पाते हैं स्टाने वाला, ठीक है। और आज अपन चल रहे हैं, वैसे आपको मैंने इंटरव्यू बता दिया कहाँ चल रहे हैं, आज अपन चल रहे हैं कनक बाग, वापस कनक बाग चल रहे हैं। इसके ऑलरेडी दो ब्लॉग डाल चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको खलनायक मूवी और राजा मूवी, बेटा मूवी और भी तीन चार मूवीज थी उनकी शूटिंग लोकेशन मैंने दिखाई थी। और आज जो अपन चल रहे हैं, आज अपन अक्षय कुमार की मूवी जो तलाश मूवी थी, खिलाड़ी मूवी है, लम्हे अनिल कपूर की मूवी, श्रीदेवी अनिल कपूर उसकी और एक सावन चले ससुराल गोविंदा की, उनकी जो शूटिंग हुई थी ना वो भी वहीं तरफ बात हुई थी, तो उनकी शूटिंग लोकेशन से वो आपको मैं दिखाऊँगा, ठीक है। और हाँ एक चीज़ बता दूँ कि ये है विद्या आपको जब मैं दिखाऊँ दीगा। तो गैज हम लोग पहुंच गए हैं जलमहल, इस साइड देखो आप, वो देखो दिख रहा है जलमहल, ये जलमहल है और इसको जस्ट पीछे कनक बाग है, तो बस पहुंच गए वहाँ पर। बाकी तो गैज बाइक मैंने पार्क कर दी है, ठीक है, निकल रहा हूँ मैं। उस दिन की तरह सेम लास्ट टाइम आया था ना कनक बाग, तभी अपन यहीं पार्क की थी, यहाँ से पैदल गए थे, यहाँ से मतलब 200 किलोमीटर आ गई है। एक्चुअली वहाँ पे ना पार्किंग है नहीं, इसलिए मैं यहीं आके पार्क करता हूँ यार। हाँ तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं कनक बाग, ठीक है, और टिकट मैंने ले लिया है। टिकट के बारे में वैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कि 25 रुपये का टिकट है। तो गाइस शुरू करते हैं अपना व्लॉग, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना खिलाड़ी, उसके अंदर गाना था भोली भाली लड़की, बहुत ही शानदार गाना था, ठीक है। उसकी जो गाने की शुरुआत तो होती है, एक्चुअली शुरुआत जो होती है उसके गाने की तो वो होती है बिरला टेम्पल, जो जयपुर में है ना बिरला टेम्पल, क्या नाम है उसके पास, मोती डूंगरी टेम्पल के पास में। तो कुछ शूटिंग तो वहाँ होती है और कुछ शूटिंग यहाँ होती है, यहाँ वाली शूटिंग वो दिखाता हूँ आपको मैं, काफ़ी शानदार से सीन लिए गए थे और वो जो सीन है इस साइड से लिए गए थे, ठीक है। एक मिनट दिखाता हूँ जो कैमरा, सबसे पहले कैमरे को करते हैं ऐसे जूम जूम इन करके और वहाँ पे ऊपर, वहाँ पे उदिता गोस्वामी डांस कर रही होती है और ऐसे ऐसे करके वो कैमरे को जूम आउट करते हैं और जूम आउट करने के बाद जस्ट यहीं पे कैमरा को एंगल करते हैं, इस जगह कैमरा एंगल करते और यहाँ पर इस जगह इस कोने पर सारू जो अक्षय कुमार है वो डांस कर रहा होता है, वहाँ पर बहुत सारे डांसर्स डांस कर रहे होते हैं, यहीं से बिल्कुल सेम जगह से वो लोग अपना कैमरा एंगल करते हैं, वहाँ पर उदिता गोस्वामी डांस करते हैं, यहाँ पर अक्षय कुमार डांस कर रहा होता है, बाकी सारे डांसर यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो गाइज एक जो सीन था वो यहाँ से लिया गया था, ठीक है, जो शोंग का जो यहाँ से जो शूटिंग स्टार्ट होती है उसका सबसे वाला जो सीन था वो यहाँ से लिया गया। एक सीन जो होता है उधर से उस साइड से कैमरा एंगल करके उस सीढ़ियों से लिया होता है, वहाँ पे अक्षय कुमार और उद्धव उसमें डांस करती है, उस साइड से कैमरा एंगल करते हैं जिसमें सीढ़ियाँ पूरी दिखाते हैं। एक सीन जो था वहाँ से लिया गया था, ठीक है। और उसके आगे जो जस्ट आगे वाला सीन था वो ये जो आपको गार्डन दिख रहा है पूरा, ये मैदान, इस गार्डन, इसके अंदर सीन लिया जाता है, उसका जो कैमरा है वो वहाँ से एंगल किया जाता है। एक्चुअली वो जो टेम्पल आपको पता है 5 बजे बाद खुलता है, क्योंकि लास्ट टाइम पाया तो 5 बजे तक खुला था, तो वो जो बाकी की शूटिंग है वो वहीं से दिखा पाऊँगा आपको मैं इधर से कैमरा एंगल करके, ठीक है। ये वाली शूटिंग लोकेशन दिखा दी और एक जो शूटिंग लोकेशन है ये देखो आप यहाँ पे होती है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये देखो आप यहाँ पे अक्षय कुमार डांस कर रहे होते हैं, ऊपर अक्षय कुमार डांस कर रहा होता है, आसपास डांसर्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो सीन था वो यहाँ से इस गुमटी में लिया जाता है, ठीक है। स्क्रीन शॉट आप मैच कर लो, मैंने स्क्रीन शॉट साइड में लगा रखा है इसका, दोनों का, एक सीन वहाँ से था और एक सीन वहाँ से था, ठीक है। और एक सीन, एक जो सीन होता है लास्ट वाला सीन, वो यहाँ से पूरा कैमरा एंगल करके लिया जाता है, बिल्कुल सेम यहीं से कैमरा एंगल करते हैं, यहाँ पर सारे डांसर्स वगैरह कुमार वगैरह डांस कर रहे होते हैं। एक जो सीन था वो यहाँ से पूरा लिया जाता है, ठीक है। और बाकी के सीन थे वो इस वाले टेम्पल और कुछ उस वाले टेम्पल लिए जाते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो ओपन नहीं है मंदिर, 5 बजे तक ओपन है, तो वो जो सीन है वो बाद में आपको बता पाऊँगा, ठीक है। हाँ तो गाइस उधर वाली शूटिंग लोकेशन सारी मैंने दिखा दी और एक जो सीन था वो यहाँ से लिया गया था, एक सीन था ना वो यहाँ से ऐसे लिया गया, आप मैच कर लो,
वो दोनों अक्षय कुमार और जो उदिता गोस्वामी रहती है वो दोनों यहाँ पर डांस कर रही होती है इस जगह पर, इस गुम्बद नीचे यहाँ पर, यहाँ पर दोनों डांस कर रहे होते, कुछ डांसर्स पीछे डांस कर रहे होते, उनका कैमरा का जो एंगल है ना वो यहाँ पर होता है जिसमें आप पीछे पूरा मैच कर लो, ठीक है, ऊपर से ये भी आप मैच कर लो पूरा। तो एक सीन जो था वो थोड़ा सा सीन था ना कि छोटा सीन था वो सीन यहाँ से। और अब बात कर लेते अपन कैलाश मूवी की, ठीक है, आपको मैंने खिलाड़ी मूवी थी उसकी कुछ शूटिंग लोकेशंस थी वो दिखा दी, और कुछ शूटिंग लोकेशंस रह गई है क्योंकि वो मंदिर के ऊपर टेंपल के ऊपर थी, टेंपल अभी बंद है, अभी एक्चुअली ओपन हुआ नहीं टेंपल, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में, 5 बजे बाद वो ओपन होगा, तो उसके बाद ही जाके आपको मैं दिखा पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद लोकेशन मैंने आपको दिखाई दी और खिलाड़ी मूवी की दिखा दी, और जो कैलाश मूवी थी उसकी एक शूटिंग लोकेशन थी वो आपको मैं दिखा नहीं पाया, एक्चुअली वो मेरे को मिल नहीं रही है यार, उसमें छोटा सा फोन रहता है, अगर ये वाला फोन रहता है क्योंकि फिर ये पीछे होना चाहिए ना, कोशिश कर रहा हूँ मिल जाए, मिलते मैं दिखाता हूँ आपको। उस वाले की शूटिंग दिखा दी मैंने, और जो ये वाला मंदिर ऊपर वाला मंदिर ये देखो आप पीछे, ये 5 बजे ओपन होगा, उसमें जो कुछ सीन उसमें लिए गए थे वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, पहले वो वाली जगह ढूंढ लेता हूँ मैं यार। खिलाड़ी मूवी शूटिंग मूवी की शूटिंग लोकेशन आपको मैंने दिखा दी, ठीक है, अब अपन बात करते हैं कैलाश मूवी की शूटिंग लोकेशन की, ठीक है। तो कैलाश मूवी जो थी उसके अंदर अक्षय कुमार और क्या नाम था उसका यार हीरोइन कौन थी उसमें, करीना कपूर, ठीक है, दोनों उसके अंदर हीरो हीरोइन थे। और वो जो मूवी थी उसकी कुछ शूटिंग, उसका ये गाना था मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, उसकी जो कुछ शूटिंग्स है वो तो हुई थी अपने सिटी पैलेस में, जो कि मैंने पहले आपको पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाई थी, और कुछ शूटिंग उसकी आमिर के लिए भी हुई है जो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और उसकी जो कुछ शूटिंग है ना लास्ट वाले सीन थे यहाँ पे कनक बाग में इस साइड लिए गई थी, देख लो आप झरने वगैरह देख रहे हो, या आप मैच करना स्क्रीन शॉट में इस साइड, इसके जो कुछ शूटिंग जो सीन थे वो यहाँ पे लिए गए थे, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। एक जो सीन था ना वो यहाँ से लिया गया जगह, इसे बोला वो जूम करके ऐसे पूरा जूम करके ये देखो आप ऐसे जूम करके लेते हैं, पूरा ऐसे पूरा जूम कर लो, ये देखो यहाँ पे ऐसे जूम करके लेते हैं, अक्षय कुमार यहाँ से ऐसे जा रहे होते हैं ये देखो, और फिर जूम करके, और ये जो ये है ना ऐसे ऐसे उनका कैमरा रहता है, ठीक है, थोड़ा जूम करूँगा सही क्लियर नहीं है, वैसे देख लो जूम करे वहाँ से करीना कपूर जो है। इस वाले ब्लॉग में मैंने अक्षय कुमार की दोनों मूवीज़ थी उनकी शूटिंग लोकेशंस दिखाई, ठीक है, दिखाऊंगा क्योंकि वो 5 बजे बाद ही आपको दिखा पाऊंगा मैं। अभी जो टेंपल है ना ये वाला देख रहा हूँ आप मेरे पीछे, राधा माधव जी का टेंपल है वो भी बंद है, इधर वाला टेंपल है इस पे जो शूटिंग हुई थी ना कुछ उस वाली जगह दिख नहीं रहा यहाँ से, इधर वाला टेंपल है ये भी एक्चुअली क्लोज है, वो भी एक्चुअली भी क्लोज है। तो 5 बजे अपन वेट करते हैं 5 बजे तक का, जब टेंपल खुलेगा तभी आपको नेक्स्ट वाली में दिखा पाऊँगा, ठीक है गाइस। और इन दोनों के अंदर जो शूटिंग हुई थी कुछ तो इस खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग सीन थे और कुछ थे लम्हे मूवी के, और एक साजन चले ससुराल का जो पूरा सीन था वो तो वहीं से लिया गया जहाँ से गोविंदा कपूर को पकड़ के ले जाता है, ठीक है, वो वाला सीन था वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस जब 2 बजे तक का वेट करते हैं मिलते हैं 5 बजे, सॉरी 5 बजे तक का वेट करते हैं मिलते हैं 5 बजे, ठीक है।